हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब कराया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन यानी यूजी एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नीट 2021 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है आपका जल्द शुरू होने वाला है। एग्ज़ाम 1 अगस्त 2021 को आयोजित किया जाना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी तक नहीं शुरू हुआ है, आप सभी को मालूम है, और फॉर्म भी अभी नहीं आए हैं। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के चलते छात्र इस बात से भी चिंतित हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे स्थगित ना कर दिया जाए। एनटीए की तरफ से अभी केवल एग्जाम की डेट आई है, एप्लीकेशन फॉर्म तो जारी ही नहीं किया गया। एनटीए ने आखिरी बार 12 मार्च को आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें एग्जाम डेट की घोषणा की गई थी। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में कुल 11 भाषाओं में आयोजित की जानी है। एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं जारी हुआ। लगातार स्थगित हो रही परीक्षाओं के बीच एनटीए नीट 2021 के एप्लीकेशन स्थगित होने की स्थिति संभावना है। एनटीए ने महामारी की स्थिति के अनुसार एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा, ऐसा उसने कहा है एनटीए ने। देखिए, परीक्षा आपकी ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में आयोजित की जानी है और जारी अधिसूचना में ये कहा गया है कि परीक्षा के लिए सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी कर दी जाएगी। जो छात्र यूजी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है जून और जुलाई में आ सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और क्योंकि 1 अगस्त में आपकी परीक्षा होनी है तो जून में जहां तक संभव है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाएगा और जुलाई में आपका एडमिट कार्ड समय पर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे आप उसे फिल कर सकते हैं। आप nt.neet.nic की वेबसाइट पर लगातार देखते रहिए, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अगर आता है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ये हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बता दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए।